हाय फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका एक स्पेनिश मूवी है जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी और ये अभी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 1991 से, जहाँ वेरोनिका अपने 3 भाई बहनों के साथ स्कूल जा रही होती है। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगता है और वेरोनिका के क्लास में उसकी टीचर्स सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऐसा देख करके लगता है कि वेरोनिका को उस ग्रहण के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही होता है। वेरोनिका अपनी दो फ्रेंड्स रोजा और डाइना के साथ अपने स्कूल के बेसमेंट में जाती है और वो लोग ओइजा बोर्ड की मदद से आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं। वेरोनिका ओइजा बोर्ड की मदद से अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती है, जिनकी मौत अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। अब वो तीनों लड़कियां स्कूल के बेसमेंट में जाती हैं और वहाँ पे एक ग्लास के ऊपर वो तीनों अपनी उंगली रखती हैं और कुछ सवाल करने लगती हैं। जैसे ही ग्रहण स्टार्ट होता है वो ग्लास अपनी जगह से मूव करने लगता है, जिससे वो दोनों लड़की डर जाती है और अपनी उंगली हटा लेती है। सिर्फ वेरोनिका ही अकेले उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। वो ग्लास फट जाता है, जिससे वेरोनिका की उंगली कट जाती है। हम लोग आगे देखते हैं कि उंगली कटते ही वेरोनिका के उंगली से खून गिरता है, जो कि उस बोर्ड पे गिर जाता है और वो बोर्ड टूट जाती है। थोड़ी ही देर में वेरोनिका अजीब सी शैतानी आवाज में बात करने लगती है और वो जमीन पे गिर जाती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। हम लोग जब आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वेरोनिका को जब होश आता है वो अपने स्कूल के ही हॉस्पिटल में होती है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ स्कूल से वापस घर जाती है। स्कूल से जाते समय वेरोनिका को उसके स्कूल की एक सिस्टर, जिसका नाम होता है सिस्टर डेथ, वो उसे देखती रहती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिस्टर डेथ अंधी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे वो वेरोनिका को देख पा रही हो। वेरोनिका अब अपने घर पहुंचती है। उसके घर पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती है, जिसके बारे में उसे कुछ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेरोनिका मिरर में अपने आप को देखती है और उसे पता चलता है कि उसके शरीर पे पंजों के निशान बने हुए हैं। वेरोनिका को ये देख करके अजीब लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ बताती नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि वेरोनिका अपने छोटे भाई को बाथ टब में नहा रही होती है। जब वो अपने भाई को नहा रही होती है तो उसे उसके कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए अपने कमरे में जाती है। वेरोनिका अपने कमरे में जा करके ये ढूंढने का कोशिश करती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कि तभी उसे उसके भाई की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चिल्ला रहा होता है। जब वेरोनिका वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई जिस बाथटब में नहा रहा था, उस बाथटब की गर्म पानी की नल खुली रह जाती है, जिससे बाथटब का पानी बहुत गर्म हो जाता है और उसके भाई का शरीर जलने लगता है। वेरोनिका समय रहते अपने भाई को टब में से निकाल लेती है और वो उसके शरीर पे एक मरहम लगाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रात का समय होता है। वेरोनिका अपने घर में सोई होती है और उसे सपने में अपने पिता का चेहरा दिखाई देता है। अचानक देखते ही देखते उसके पिता का चेहरा एक शैतानी चेहरे में बदल जाता है और वो वेरोनिका पे हमला कर देते हैं, जिससे वेरोनिका की नींद खुल जाती है। वेरोनिका इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने स्कूल के बेसमेंट में फिर से जाती है। इस बार जब वो स्कूल के बेसमेंट में जाती है तो उसे सिस्टर डेथ मिलती है वहाँ। सिस्टर डेथ उन्हें बताती है कि उन्होंने जो भी किया वो सही नहीं था और उनके इस प्रक्रिया के द्वारा उनके पिता की आत्मा नहीं, बल्कि उसके जगह कोई शैतानी आत्मा इस दुनिया में आ गया है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। सिस्टर डेथ उसे ये भी बोलती है कि सिस्टर डेथ को भी आत्माएं दिखाई देती है और वो ये देख पा रही हैं कि वो आत्मा अभी भी वेरोनिका के अंदर है। वो साथ ही उसे ये भी बताती हैं कि उन आत्माओं को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिस्टर डेथ भी आत्माओं को देख पाती थी, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने आँखों को नुकसान पहुँचाया था, जिससे वो अंधी हो गई। लेकिन इन सब बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन आत्माओं को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब बात सुन करके वेरोनिका बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने घर पे आती है। घर पे आने के बाद वो अपने घर के दीवारों पे वाइकिंग्स के साइन बनाने लगती है, जिससे उसे लगता है कि ये शैतान उसके घर में नहीं आ पाएगा। आगे हमें ये पता चलता है कि वो शैतान बहुत ही आसानी से उसके घर में आ जाता है और वो इन वाइकिंग्स के सिम्बल्स को नष्ट भी कर देता है।
दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया सो रही होती है और उसका गला एक शैतान दबा रहा होता है, जिससे लूसिया की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब वेरोनिका अपनी बहन लूसिया को बचाती है तो उसकी बहन उस पे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि वो ही उसका गला दबा रही थी। वेरोनिका अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि वो कभी भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब सीन शिफ्ट होता है और वेरोनिका सो रही होती है, उसे फिर से एक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि उसके छोटे भाई बहन उसे मार रहे हैं और उसकी बहन उसे काट के खा रही है। साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि उसकी माँ उस पे चिल्ला रही है, जिससे डर के वेरोनिका की नींद फिर से खुल जाती है। नींद से उठते ही वेरोनिका नोटिस करती है कि उसके बेड के मैट्रेस पे एक काला ब्लैक निशान बना हुआ है, जिसकी आकृति एक इंसान के जैसा है। इसको देख करके वेरोनिका बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने घर के सारे मैट्रेस को देखती है कि क्या उन सब पर भी सेम निशान है या नहीं है। चेक करने पे वेरोनिका को पता चलता है कि ऐसा ही सेम निशान उसके घर के सारे बेड के मैट्रेस पे है, जिसे देख करके वेरोनिका बहुत परेशान हो जाती है। एक सीन में हम लोग देखते हैं कि वेरोनिका अपने छोटे भाई से बात करते रहती है और वो उसे बताता है कि उसे सपने में उसके पिता दिखाई दिए थे, जिन्होंने उनको कहा था कि वो उसे ले करके जाएंगे। ये बात सुन करके वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है। वो अपने भाई को बोलती है कि अगर उसे कभी भी कोई भी शैतान दिखे तो वो अपना आँख और कान को बंद करे और वेरोनिका का नाम चिल्लाए, जिससे वेरोनिका को पता चल जाएगा कि उसका भाई खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए आ जाएगी। इन सब घटनाओं से वेरोनिका बहुत परेशान हो जाती है और वो सिस्टर डेथ से मिलती है। उसे लगता है कि सिस्टर डेथ उसकी कोई हेल्प कर पाएगी, लेकिन सिस्टर ये बोलती है कि उन्होंने जो प्रक्रिया की थी, जिसे सियोनसे प्रक्रिया कहते हैं, उससे एक शैतान इस दुनिया में आ गया है और क्योंकि उन्होंने उस प्रक्रिया को आधे में ही छोड़ दिया था तो वो शैतान वापस नहीं गया है, तो उन्हें फिर से ये प्रक्रिया करनी होगी और उस शैतान को गुड बाय कहना होगा। अब इस प्रक्रिया को पूरे करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली वेरोनिका अपनी फ्रेंड डायना और रोज़ा के पास जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे हेल्प करने से मना कर देते हैं। वेरोनिका के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो अपने घर वापस आती है और वो अपने दोनों बहनों के साथ मिल करके उस प्रक्रिया को कंप्लीट करने की कोशिश करती है। वो ओइजा बोर्ड को, जो कि पहले 2 टुकड़ों में टूट गया था, उसे टेप से जोड़ती है और अपनी बहन के साथ मिल करके उस प्रक्रिया को शुरू करने लगती है। वो अपने छोटे भाई एंटोनियो को बोलती है कि वो अपने घर के दीवारों पर एक सुरक्षा चिन्ह बनाए, जिससे वो शैतान उनके घर में नहीं घुस पाए और वो उस प्रक्रिया को पूरा कर पाए। वेरोनिका जैसे ही ये सब करना शुरू करती है, वैसे ही वो शैतान उसके घर में आ जाता है और वो उसके भाई एंटोनियो को उठा करके ले जाता है। वेरोनिका जैसे तैसे करके अपनी बहनों के साथ घर से वापस निकलती है और वो साथ ही पुलिस और डिटेक्टिव को फ़ोन कर देती है ताकि वो लोग आकर के उनकी हेल्प कर पाएँ। जब वेरोनिका अपनी बहनों के साथ बाहर रहती है तो उसे ये पता चलता है कि उसका भाई उनके साथ नहीं है। वेरोनिका अपनी दोनों बहनों को वहीं खड़े रहने के लिए बोलती है और वो अंदर जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। जब वेरोनिका अपने भाई को ढूंढती है तो उसका भाई उसे एक क्लोजेट के अंदर बंद मिलता है और वो अपने भाई को निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसका भाई अपनी आँख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम चिल्लाने लगता है। वेरोनिका को ये देख के बहुत अजीब लगता है कि वो उसके सामने है फिर भी वो उसका नाम क्यों चिल्ला रहा है। तभी वेरोनिका को सिस्टर डेथ की बात याद आती है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि उसने अपने भाई को कहा था कि जब भी कोई शैतान उसके पास आए तो वो अपनी आँख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम चिल्लाए ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। और एक्चुअली में ये शैतान वेरोनिका के अंदर ही होता है और जो भी घर में अजीब सी चीज़ें हो रही थी वो सब वेरोनिका ही कर रही थी। इस बात का पता चलते ही वेरोनिका अपने भाई बहनों को बचाने के लिए वेरोनिका वहाँ पे पड़े हुए एक कांच से अपना गला काटने का कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ये करने नहीं देता है और तभी वहाँ पे पुलिस और डिटेक्टिव आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर में आते हैं, वो लोग देखते हैं कि वेरोनिका हवा में लटकी हुई है और कुछ अजीब सी आवाज़ में चिल्ला रही है। थोड़ी देर के बाद वेरोनिका बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है और पुलिस उसे उठा करके एम्बुलेंस में रखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अपना रिपोर्ट बनाता है, तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। डिटेक्टिव को ये बात सुनकर के बहुत दुख होता है और वो अपने रिपोर्ट में ये मेंशन करता है कि ये जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे एक शैतानी आत्मा का हाथ था।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ किया गया है, जैसे डीमन, सियोनसी प्रक्रिया, वाइकिंग्स के सिंबल, ओइजा बोर्ड आदि। यदि आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बना पाऊँ, ताकि आप लोग इसके बारे में अधिक जान पाएँ। और जाने से पहले, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शो योर लव। थैंक यू।